हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं आपको ये एक छोटा सा बेबी फ्रॉक या ए लाइन झबला बोलिए या बेबी झबला बोलिए, ये पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसका पैटर्न है। ये नाप 6 मंथ टू 1 ईयर बेबी का नाप है। आप इसको अपने मनपसंद किसी भी कलर में बना सकती हैं, लाइट या डार्क, और ये बहुत आसानी से बन जाता है। गले से बना है, बेबी वूल से बना है, और मैंने बनाया इसको 9 नंबर की सिलाई से। ये जो मेरा ऊन है, देखिए ये लच्छी वाला ऊन है, इससे मैंने बनाया है। और लगभग आपका 100 ग्राम से 125 ग्राम ये बेबी वुल, ये वर्धमान का है, प्रायलॉन है, तो ये 125 ग्राम ऊन मेरा लच्छी वाला इसमें लगभग लगा है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है वर्धमान का 4 प्लाई का ऊन, जिसको हम बेबी वुल कहते हैं वो है। और इसको मैं बनाऊंगी इस तरह से सर्कुलर नीडल से। आप इसको गले वाली सिलाई से भी बना सकती हैं। तो इसमें चलिए सबसे पहले इसके फंदे डालते हैं। तो फंदे डालने के लिए हम इसमें सिंगल ऊन से, ये देखिए सिंगल ऊन से टोटल 69 फंदे डालेंगे, यानी कि 69 फंदे। तो अब देखिए इस तरीके से करते हुए, ये फंदे हमको लूज ही रखने हैं, बहुत टाइट नहीं रखने हैं। तो क्योंकि ये गले से बन रहा है, इस तरह से ये मैंने एक लूप बना लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे टोटल 69 फंदे। तो देखिए इस तरह से 3, 4, 5, 6 ऐसे करते हुए टोटल 69 फंदे हम डाल लेंगे। ये देखिए टोटल 69 यानी कि 69 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। और ये मेरी 9 नंबर की सिलाई है, बेबी वूल है, और ये मेरी 9 नंबर की सिलाई है। आपका हाथ अगर लूज चलता हो तो आप 10 नंबर की सिलाई यूज करिएगा, या अगर आप 2 प्लाई का ऊन यूज करती हैं तो आप मोटी सिलाई लगा सकती हैं। जैसा आपका हाथ हो उस हिसाब से आप अपना सिलाई लीजिएगा। मैं इसको 9 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। तो अब देखिए इसको हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनते हुए, ये मेरी पहली सिलाई है, और ये देखिए ये रॉन्ग साइड है, ये मेरी पहली सिलाई है। टोटल 9 सिलाई मैं बनाऊंगी इस तरीके से सीधा सीधा। इसके बाद हम इसके आगे इसके बॉडी का पार्ट बनाएंगे। तो ये पहले ऊपर का जो गले के पास हमारा बॉर्डर बनता है, ये है हमारा। तो हम इसको टोटल 9 सिलाई पहले बना लेंगे इस तरीके से, दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनते हुए। ये देखिए यहाँ पे 4 लाइनिंग आ गई है राइट साइड में, ये हमारा रॉन्ग साइड है। तो यहाँ देखिए एक जो हमने ये फंदे डालने हैं, प्लस 1, 2, 3 यानी टोटल 9 सिलाई मैंने इसमें सीधा सीधा बिना है। अब हम आगे बनाएंगे, यानी जाली डालना स्टार्ट करेंगे। गले से बन रहा है ये, तो सबसे पहले देखिए दोनों तरफ सात सात फंदे हमारे बटन पट्टी के रहेंगे। तो ये पहला फंदा ऐसे उतार के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। अब देखिए जो जाली पड़ेगी वो ध्यान से देखिएगा, ये एक सीधा ऊन आगे, एक सीधा ऊन आगे, एक सीधा। अब ये देखिए 2, 4, 6 और ये 7, ये फंदे हमारे जो हैं, ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। अब यहां से हमारा ये पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। तो 1, 2, 3 फंदे हमने लिए और 2 जाली बनाई है इस तरह से। और अब ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा बिनेंगे। इसी को हमें रिपीट करना है। देखिए एक सीधा ऊन करके आगे जाली डालते हुए, आप ऐसे जाली डालिए या आप ऐसे यार्न ओवर कर लीजिए, एक सीधा यार्न ओवर, एक सीधा ऊन अपनी तरफ करिए, एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे, एक सीधा यार्न ओवर, एक सीधा यार्न ओवर, एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर ऊन पीछे। इसी तरह से पूरी सिलाई हम बनाएंगे। देखिए एक सीधा यार्न ओवर, एक सीधा यार्न ओवर, एक सीधा, फिर ऊन अपनी तरफ करके एक उल्टा, फिर ऊन पीछे, एक सीधा यार्न ओवर, एक सीधा यार्न ओवर, एक सीधा, ऊन आगे करके एक उल्टा, फिर ऊन पीछे करेंगे,
एक सीधा यान ओवर, एक सीधा यान ओवर, एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर उन पीछे, एक सीधा यान ओवर, एक सीधा यान ओवर, एक सीधा, यानी कि दो जालियां पड़ रही हैं, फिर एक उल्टा, उन पीछे, एक सीधा यान ओवर, एक सीधा यान ओवर, एक सीधा, एक उल्टा, एक फंदा सीधा यान ओवर, एक सीधा यान ओवर, एक सीधा, ऊन अपनी तरफ करिए, एक उल्टा, फिर ऊन पीछे करेंगे, एक सीधा यान ओवर, एक सीधा यान ओवर, एक सीधा, ऊन अपनी तरफ, एक उल्टा, ऊन पीछे, सीधा यान ओवर, एक सीधा यान ओवर, एक सीधा, फिर एक उल्टा। जाली आप जैसे चाहे वैसे बना सकती हैं, फंदे बढ़ाने हैं तो एक सीधा यान ओवर यानी कि जाली, एक सीधा यान ओवर, एक सीधा, ऊन अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर एक सीधा यान ओवर, एक सीधा यान ओवर, एक सीधा, फिर ऊन अपनी तरफ, एक उल्टा, एक बार और, एक सीधा यान ओवर, एक सीधा यान ओवर, एक सीधा। यहाँ पे अब उल्टा नहीं बिनना है क्योंकि देखिए ये बटन पट्टी है हमारी, दो चार छह और एक ये सात, ये हमने लास्ट किया। यहाँ स्टार्टिंग में भी हमने सात फंदा सीधा बिनने के बाद सीधे डिजाइन डालना स्टार्ट किया, एक उल्टा यहाँ नहीं बनाया है और लास्ट में भी नहीं बनाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे, तो देखिए एक फंदा सीधा, दो फंदे एक संग सीधे बिनेंगे, फिर यान ओवर करेंगे और बाकी चार फंदे सीधे बिन देंगे, तो ये यहाँ पे हमारा बटन होल बन जाएगा। तो इस तरह से बटन होल एक साइड पे, दूसरी साइड पे हमारे बटन लगेंगे। तो ये हो गई हमारी डिजाइन की पहली लाइन जो कि हमने जाली से बना ली सीधी साइड से। अब ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड से देखिए ये सात फंदे हम सीधे बिनेंगे दोनों तरफ से किनारे किनारे के, तो एक दो तीन चार, ये देखिए जाली जो है, पांच छ सात, ये हमने सीधे बिन लिए। अब ऊन अपनी तरफ करेंगे, देखिए एक दो तीन चार और ये पांच फंदे उल्टे बिनेंगे और एक फंदा जो हमने सीधी तरफ से उल्टा बिना था इसको सीधा बिनेंगे। फिर देखिए ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक ये जाली, दो तीन, फिर ये जाली चार और एक ये पांच, और ये जो फंदा है देखिए उल्टा करके, अब ऊन पीछे करके सीधा, फिर अपनी तरफ एक दो तीन चार पांच और ऊन पीछे करके छठा फंदा सीधा। इसी तरह से पूरी सिलाई बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे रॉन्ग साइड से हमने बना लिया, ये सात फंदे हमने सीधे बिन लिए। अब देखिए ये जाली, और अब यहाँ पे सात फंदे, एक दो तीन चार पांच छः और ये सात, ये सीधे, और यहाँ देखिए ये जो हमने जाली डाली थी अब ये भी सारे फंदे हम सीधे बिनेंगे। यहां से अब हम चार सलाई सीधा उल्टा बिल्कुल बिना कोई जाली डाले बिनेंगे, बस किनारे किनारे के जो दोनों फंदे हैं हमारे साथ साथ फंदे हैं इनको हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनेंगे, बाकी सीधा उल्टा बिनते हुए चार सलाई पहले हम कंप्लीट करेंगे, फिर इसके आगे हमारी जाली पड़ेगी। तो ये चार सलाई कंप्लीट कर लेते हैं बिना कोई जाली डाले, और इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे तरफ से सारे फंदे सीधे सीधे, और रॉन्ग साइड से सात सात फंदे जो दोनों तरफ के बटन पट्टी के फंदे हैं इनको हम सीधा बिनेंगे, बाकी बीच के फंदे हम उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट करेंगे। तो दो सलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, चार सलाई सादा। बस एक चीज ख्याल करिएगा, देखिए एक दो
तीन, चार और ये पांच सीधे, और ये जो उल्टा फंदा है इसको हम सीधी तरफ से उल्टा और उल्टे तरफ से सीधा बीनेंगे, जैसा कि अभी तक हमने बीना है। यहाँ हमने जाली डाली थी, अब हम जाली नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ सीधा उल्टा बीन रहे हैं। तो ये पांच फंदे सीधे प्लस ये एक फंदा उल्टा, ये जो हमने पहली बार डाला है, एक दो तीन चार पांच सीधे और एक फंदा उल्टा। तो ये हमारा रॉन्ग साइड से भी देखिए, ये एक सीधा दिखेगा तो रॉन्ग साइड से इसको सीधा बीनना है और ये पांच उल्टा। इसी तरीके से चार सिलाई हम और बीनेंगे और ये जो पैटर्न हमारा एक उल्टा है ये हमारा लास्ट तक जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से, बस इसको ध्यान दीजिएगा, ये देखिए पांच सीधा एक उल्टा। अभी इसके बाद जब हम और जालियां बढ़ाएंगे तो ये फंदे और बढ़ेंगे, लेकिन ये उल्टा सेम जगह पे रहेगा। तो चार सिलाई बना लेते हैं, सीधा पे सीधा, उल्टा पे उल्टा और दोनों साइड साइड के फंदे सीधे सीधे दोनों तरफ से। ये देखिए ये हमारी चार सिलाई जाली बनाने के बाद कंप्लीट हो गई। यहाँ पे ऐसे अब देखिए, ये देखिए यहाँ हमने जाली बनाई थी, यहाँ पे ये रॉन्ग साइड, ये देखिए फिर एक दो तीन चार हमने बना लिया ये जाली, फिर एक उल्टा और ये चार सिलाई। और ये देखिए ये जो सीधा मैंने कहा था, रॉन्ग साइड से हर बार सीधा और राइट साइड से उल्टा, तो ये हमारा जो बनेगा देखिए ये पूरा ऐसे है। अब एक बार फिर से हम सेम जाली डालेंगे और ये देखिए जाली डालते समय बस ये याद रखिएगा कि जिस फंदे के ऊपर हमारी जाली पड़ी है वही पड़ेगी। यहाँ पे पिछली बार हमने एक फंदा बीनने के बाद जाली डाली थी, लेकिन अभी हमारा ये जाली से एक फंदा यहाँ पे और बढ़ चुका है तो हम दो फंदा सीधा बीनेंगे। तो ये देखिए स्टार्टिंग के एक दो तीन चार पांच छः और ये सात, ये हमारे बॉर्डर के फंदे। अब देखिए ये इस फंदे पे हमने जाली डाली थी पिछली बार, तो अब यहाँ पे हम दो फंदे सीधे बीनेंगे ऐसे। फिर जाली डालने के लिए इस फंदे के दोनों किनारे जाली पड़नी है, तो यार्न ओवर कर लिया, एक सीधा, फिर से यार्न ओवर करेंगे। पिछली बार हम एक सीधा बीनते थे, अब इस बार हम दो सीधा बीनेंगे इस तरीके से, ऊन अपनी तरफ करके एक उल्टा। ये जो बन रहा है ये उल्टा हमारा हर बार बनेगा। यहाँ पे हमारे दो दो फंदे बढ़ते जाएंगे। अभी देखिए दो सीधा के बाद हमने जाली बनाई है, इस जाली के बाद जब हम अगली बार जाली बनाएंगे तो हमारे तीन सीधे हो जाएंगे, फिर अगली बार चार सीधे, फिर अगली बार पांच सीधे, ऐसे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो ये हम दूसरी बार जाली डाल रहे हैं, तो एक दो सीधा यार्न ओवर, एक सीधा ये वाला, फिर यार्न ओवर, फिर ये देखिए दो सीधा, ये उल्टा, फिर दो सीधा यार्न ओवर, दो सीधा, सॉरी ये देखिए दो सीधा यार्न ओवर, एक सीधा यार्न ओवर, दो सीधा। अभी तक ये जो पांच फंदे थे यहाँ पे सात फंदे हो जाएंगे, एक उल्टा, फिर एक दो सीधा यार्न ओवर, बीच वाला एक फंदा सीधा यार्न ओवर, फिर एक दो, फिर ऊन अपनी तरफ करके एक उल्टा। इसी तरीके से पूरी सिलाई हम बनाएंगे। ये देखिए जाली के ऊपर जाली डालते हुए ये, फिर रॉन्ग साइड से सेम, फिर राइट साइड से बिनते हुए चार सिलाई हम सीधा उल्टा करके कंप्लीट करेंगे जैसे हमने ये बनाया था। टोटल ये वाली जो जाली है वो पांच जाली हम बनाएंगे। तो ये देखिए एक बन गया, दूसरी हम बना रहे हैं चार सिलाई बिनने के बाद। इसी तरह से करते हुए टोटल पांच जाली हम बनाएंगे, फिर हमारा स्लीव अलग होगा। तो ये देखिए ऐसे करते हुए टोटल पांच जाली, जाली के ऊपर सेम जाली डालिएगा, उल्टा फंदा जहां है वहां उल्टा बनेगा, रॉन्ग साइड से सीधा, प्लस हमारा हर बार ये फंदा बढ़ता जाएगा, दोनों तरफ से ये फंदे हमारे सीधे सीधे। और ये जो बटन होल मैंने बनाया है यहाँ पे, ये
देखिए ये लाइनिंग जो आई है टोटल 12 लाइनिंग यानी कि 12 रो ऐसा दिखेगा। इसके बाद फिर हम अगला बटन होल बनाएंगे। तो इस तरीके से 5 जाली कंप्लीट करने के बाद एक जाली बनाने में हमारी ये 6 सलाई बन रही है। ऐसी 5 जाली बनाने के बाद फिर हमारा स्लीव का पोर्शन अलग होगा, जो उसका फ्रिल है वो बनेगा। तो इस तरीके से देखिए ये हम 5 जाली कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके आगे हम बनाएंगे। बस याद रखिएगा ये फंदा हमारा हर बार बढ़ता जाएगा। एक पहली जाली बनाया हमने, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली में 2 फंदा, तीसरी जाली में 3 फंदा, चौथी जाली में 4 और पांचवी जाली में 5 फंदे सीधे बनाने के बाद हम ये जाली बनाएंगे। और ये जो रॉन्ग साइड, ये जो उल्टा बन रहा है, एक सीधी तरफ से और रॉन्ग साइड से सीधा, सेम रहेगा बटन होल हर 12 लाइनिंग के बाद एक और बटन होल। तो इस तरीके से इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले ये देखिए यहाँ पे ये इतना मेरा बन चुका है 5 जाली, जैसा कि मैंने बताया था। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और फिर यहाँ पे 2 सलाई मैंने सादा बना लिया है। और ये जो जाली पड़ी है देखिए रॉन्ग साइड से, अगर आप देखिए ये इस तरीके से, ये तो देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, टोटल 14 जाली पड़ी है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये 2, 1 और 2, ये यहाँ जो उल्टा है देखिए ये इतना हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। इसके बाद ये देखिए 1, 2, 3 हमारा स्लीव है, इस तरह से ये हमारा स्लीव का पोर्शन है। तो ये जो उल्टा है देखिए यहाँ से 1, 2, 3 जो है ये उल्टा तक हमारा ये स्लीव का पोर्शन है। प्लस इसके बाद 1, 2, 3, 4 हमारा बैक रहेगा, फिर 1, 2, 3 हमारा दूसरा स्लीव और 1 और 2 हमारा अगला जो फ्रंट पार्ट है वो। तो इस तरह से हमारा ये डिवाइड होगा। तो ये 2 जालियां हमारा फ्रंट और ये स्लीव। तो अब इसको हम बनाएंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे ये जस्ट मैंने, ये देखिए ये 12 लाइनिंग के बाद मैंने दूसरा बटन होल बना लिया है। ये जो जाली है देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 फिर ये जाली है। इसी तरह से ये 12-12 लाइनिंग हमारी जब हो जाएगी तो हम अगली जाली बनाते जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले अब हमारा स्लीव का फ्रिल बनेगा। तो यहाँ पे ये 7 फंदे सीधे, 7 फंदे सीधे जो हमारे बॉर्डर के हैं, प्लस ये भी हमारे सारे सीधे जाएंगे। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 ये हमारे इतने फंदे हैं देखिए बढ़ने के बाद। अब ये उल्टा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अब देखिए ये हमारा स्लीव है, फ्रंट पार्ट है। अब हम यहां से स्लीव का पोर्शन बनाएंगे। तो इसके लिए आप देखिए एक आप अपना निशान लगा लीजिए जहां तक आपको स्लीव करना है। देखिए 1, 2, 3 ये 3 के बाद जो हमारा ये उल्टा फंदा है ये यहां तक हम स्लीव बनाएंगे। तो आप ऐसे गिनने के लिए कर लीजिए या आप ऐसे निशान लगा लीजिए इतना दूर हमको स्लीव बनाना है। तो स्लीव बनाने के लिए देखिए ऊन आगे करेंगे, ये जो उल्टा फंदा है देखिए, ये जो उल्टा फंदा है यहां से अब आप ध्यान दीजिएगा 1, 2 और 3 ये उल्टा, अगला फंदा सीधा भी लेंगे लेकिन हमारा ऊन जो है यहीं पे रहेगा। ऐसे जाली डालते हुए ये हो गया सीधा, फिर ऊन आगे 1, 2, 3 और यहीं से सीधा ऊन अपनी तरफ 1, 2, 3
ये सीधा। फिर ऊन अपनी तरफ, एक दो तीन, और ये ऐसे सीधा जाली डालते हुए। फिर ऊन आगे, एक दो तीन, और ये सीधा ऊन आगे, एक दो तीन, और फिर चौथा फंदा ऐसे सीधा ऊन अपनी तरफ, एक दो तीन, ये देखिए। और जो जाली है ऐसे बस सीधा बिन देना, ऊन हमारा यहीं पे है ऐसे सीधा, तो ये हमारी यहाँ पे जाली पड़ गई और एक सीधा बन गया। फिर एक दो तीन, और ये जाली, एक दो तीन जाली, एक दो तीन, और ये जाली। अब देखिए ये लास्ट हमारा, ये उल्टा है, यहां तक हमको बिनना है, लास्ट में फिर तीन उल्टा, एक दो और ये तीन। ये इतना पोर्शन जो है हमारा, ये देखिए ये दो डिजाइन के बाद यहां से ये हमारा स्लीव का पोर्शन है जहां हम फ्रिल बना रहे हैं। अब यहीं से सिलाई पलट लेना है। अब देखिए यहां पहला फंदा उतारेंगे, एक दो तीन सीधा जो उधर से उल्टा था, ऊन अपनी तरफ करेंगे, जो हमने एक सीधा बिना था प्लस एक जाली बनाई थी, इनको हम अपनी तरफ यानी रॉन्ग साइड से उल्टा बिनेंगे। तो एक दो, फिर ऊन पीछे, एक दो तीन सीधा, ऊन अपनी तरफ, एक दो, ये जो जाली थी और प्लस एक सीधा जो हमने बनाया था। फिर ऊन पीछे, एक दो तीन सीधा, ऊन अपनी तरफ, दो उल्टा रॉन्ग साइड से, फिर एक दो तीन, और ये दो, एक दो तीन सीधा, ऊन अपनी तरफ, एक दो उल्टा, ये हमको करना है। देखिए यहां तक, एक दो तीन और दो उल्टा, एक दो तीन, 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 दो उल्टा, और एक दो, और ये तीन। ये हो गया हमारा स्लीव का पोर्शन। तो पीछे की तरफ से देखिए, ये जो है देखिए, एक दो तीन चार, ये इतना हमारा स्लीव का पोर्शन है। फिर राइट साइड से पहला फंदा उतार लेंगे, फिर देखिए दो तीन, ये तीन उल्टा सेम चलेगा सीधी तरफ से और रॉन्ग साइड से सीधा। अब देखिए ये जो जाली हमने डाली थी पिछली बार एक सीधा बिनते हुए, तो तीन उल्टे के बाद ही हम जाली डालेंगे, लेकिन इस बार हम दो सीधा बिनेंगे। तो ये देखिए ऐसे, ये दूसरी जाली पड़ रही है, एक दो, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक दो तीन, और यहां पे फिर से जाली डालेंगे। देखिए जो ये दो सीधे फंदे हैं, ये जाली जो पड़ी थी जस्ट इसके पहले यानी कि तीन उल्टे के बाद, जैसा हमने पिछली बार किया था, तीन उल्टा फंदा बिनने के बाद हमने ये जाली डाली थी ऐसे, ये फिर अपनी तरफ, एक दो तीन, और ये जाली,
एक दो तीन और ये जाली, एक दो, तीन उल्टा हर बार रहेगा, एक दो तीन और ये देखिए एक और ये दो सीधा। इस तरीके से हमारा ये बनेगा। अब ये हम दूसरी जाली डाल रहे हैं, इसी तरीके से हम पांच जाली बनाएंगे, तीन उल्टा सेम रहेगा, ये सीधा फंदा हर बार बढ़ता जाएगा, पांच जाली हमको बनानी है। तो ये दूसरी लाइन है रॉन्ग साइड से, फिर हमारा ये तीन सीधा हो जाएगा और तीन उल्टा हो जाएगा। अगली बार ये जो तीन उल्टे फंदे हैं ये सेम रहेंगे, लेकिन ये फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। तो ये दूसरी जाली हमने डाली है, टोटल पांच जाली बनाने के बाद हमारा ये फ्रिल कंप्लीट हो जाएगा। तो पांच जाली पहले बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे टोटल पांच जाली, ये देखिए पांच जाली मैंने बनाई है, एक दो तीन चार और ये पांच। अब हम इसको बंद कर देंगे तो एक हमारा स्लीप तैयार हो जाएगा। इसको बंद करने के लिए बस आप इस तरह से, जैसे फंदे हम बंद करते हैं सीधे सीधे बिनते हुए सारे फंदे बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे बंद हो जाएंगे ऐसे। जो भी हैं फंदे इस तरह से सीधे सीधे, और इसको बहुत टाइट मत करिएगा क्योंकि ये फ्रील है, अगर हम टाइट करेंगे तो फ्रील अच्छे से नहीं आएगी। नॉर्मल जैसे हमारी बिनाई है इसी तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। तो सारे फंदे इसी तरीके से बंद कर देंगे, ये जो उल्टे हैं उसको भी और जो सीधे फंदे हैं उसको भी, इसी तरह से सीधा सीधा बिनते हुए ऐसे। तो ये देखिए ऐसे ये हमारा आएगा, सारे फंदे इसी तरीके से हम बंद कर लेंगे बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे बंद कर देंगे। और ये लास्ट, यहां पे हमको ये फंदा बंद नहीं करना है, कट नहीं करना है धागा। ये देखिए ये इस तरीके से ये हमारा फ्रिल आएगा, ये देखिए ऐसे, इतना ये हमारा फ्रिल का पोर्शन है। अब इसको इसी फंदे के सहायता से हम क्रोशिए से ये इतना पार्ट सिल देंगे, ज्यादा है नहीं, बस फ्रिल का पोर्शन है। तो इसको आप ऐसे पकड़िए इस तरीके से और इसको हम क्रोशिए से ही इस बंद कर देंगे। तो ये देखिए कोई भी क्रोशिया हुक आप ले सकती हैं, जो भी आपके पास हो। ये ऐसे इसको सबसे पहले हम ऐसे करके फंसा लेंगे एक स्टार्टिंग का, ये देखिए इस तरीके से ऐसे, ये और ऐसे। अब ये जो हमने पहले फंदे को उतारा था इसी को पकड़ते हुए हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो देखिए यहां से ऐसे ये क्रोशिया, ये देखिए जो पहला फंदा हमने उतारा है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, बस ऐसे इधर और इधर, ये ऐसे लेंगे और इसमें से निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी इसकी ये सिलाई हो जाएगी ऐसे, ये देखिए ऐसे करके, और ये बिना कोई धागा लिए बस ऐसे, यहां इधर का ये ऐसे लेंगे और इसमें से निकाल देंगे। तो ये हमारा बहुत आराम से सिल जाएगा और हमको धागा भी अपना जो ऊन है उसको कट नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए ऐसे और एक यहां तक, देखिए आराम से जहां तक ये हमारा है इसको हम ये और ऐसे ये ना, ये देखिए हो गया। जहां तक आपको लगता है कि नहीं आपकी सिलाई आएगी वहां तक आप आराम से
इसको सिल सकती हैं। ये देखिए ऐसे। अब ये जो है फंदा, इसको हम सिलाई पे ले लेंगे। ये ऐसे, यहां से हमने बिनना स्टार्ट किया था, देखिए। अब यहां पे ये हम सिलाई पे ये फंदा ले लेंगे, ये देखिए। अब इसके बाद फिर से हम बिनना स्टार्ट करेंगे और बैक का पोर्शन पूरा लेते हुए, प्लस ये देखिए ये जो हमारे दो ये जाली पड़ी हैं, और यहां तक हम इसको फिर से सीधा बिन लेंगे। जैसे हम अभी तक बिनते आ रहे हैं, तो ये आप ऐसे एक पॉइंट के लिए निशान लगा लीजिए, पिन लगा लीजिए, यहां तक का हमको बिनना है सीधे। तो ये यहां से आप देखिए बैक का जो पोर्शन है, हम यहां पे देखिए एक दो और ये तीन, तीन हमको स्लीव के लिए चाहिए। यहां से लेके यहां तक ये हमारा स्लीव का पोर्शन है, तो आप एक पिन यहां भी लगा सकती हैं ऐसे, जिससे कि आपको ये याद रहे कि आपको यहां पे झालर बनानी है, जो हमने फ्रील बनाई है अभी तक। इस तरह से देखिए, ये सीधी तरफ से ही हमने बिनना स्टार्ट किया है, तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। देखिए यहां से यहां तक ये हमारा अब दूसरा जो स्लीव है उसका फ्रील बनेगा। तो अब यहां से ये बैक में एक दो तीन चार, इसको हम बस ऐसे जैसे हम सीधा उल्टा बिनते आ रहे हैं, जहां पे हमारा उल्टा फंदा है उसको उल्टा बिनेंगे, और जहां पे हमारा सीधा फंदा है उसको हम सीधा बिनेंगे। तो इस तरीके से देखिए इसको हम बिन लेंगे। ये यहां से देखिए, ये जो हमने फंदा लिया है, दो चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये उल्टा चौदह। तो ये इस तरीके से हम इसको यहां तक बिन लेते हैं, पीछे की ये चार जाली कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम अगला स्लीव का फ्रील बनाएंगे। तो ये देखिए ये फ्रंट पार्ट, ये हमने स्लीव का ये फ्रील एक तरफ का बना लिया है। आप देखिए तो इस तरीके से ऐसे, ये देखिए ये, और अब हम दूसरी तरफ का बनाएंगे। ये हमारा इस तरह से ये है। अब देखिए ये सारे हमारे जो सीधे फंदे हैं वो 13 फंदे हैं, यानी कि 13 फंदे और एक उल्टा। तो इस तरीके से ये हमारी पांच जाली बनाने के बाद इतनी लंबाई हो चुकी है कि इसके बाद हमने फ्रील बनाया, और अब हम आगे का ये बैक पोर्शन हमारा है, इसके बाद हम दूसरी फ्रील बनाएंगे। ये जो हमारी लाइनिंग जा रही है, देखिए ये जाली बनाने के बाद जो हम चार सलाई बनाते हैं वो है, अभी ये हमारी जाली बनाने के बाद ये तीसरी सलाई है। जाली बनाया फिर उल्टी सलाई बना ली, इसके बाद चार सलाई हम सादा बनाते थे, तो ये हमारी तीसरी सलाई है। जाली हर बार हमारी सेम फंदे पे बनेगी, देखिए बिल्कुल सीधे इस तरीके से, जहां हमने यहां पे बनाया था वही चार सलाई के बाद यहां 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 और यहां, बिल्कुल एक सीधी लाइन में हमारी ये जालियां बनी हैं। ये है योक का पोर्शन, या ऊपर जो गले से हम बॉडी के ऊपर बनाते हैं आस्तीन घटाने के ऊपर का पोर्शन ये है। तो यहां पे देखिए ये इतना, ये जो उल्टा फंदा है यहां से हम फिर फ्रील स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये वाला फ्रील बंद करने के बाद यहां से हमने बिना है, तो एक दो तीन और ये चार जालियां हमारी बैक पार्ट के लिए हो गई, और यहां से हम फिर से अपना फ्रील का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो देखिए उल्टा फंदा है, यहीं से हमारा ये अगला फ्रील स्टार्ट होगा। तो एक दो तीन और ये यहां से ऊन ऐसे लेते हुए सीधा, फिर एक दो तीन और ये सीधा ऊन अपनी तरफ, एक दो
तीन उल्टा फंदा और सीधा बिनेंगे, ऊन यही रखेंगे, यहाँ से ऐसे जाली हमारी पड़ेगी और एक फंदा सीधा बिना जाएगा, फिर ऊन आगे, एक दो तीन और ये जाली, फिर ऊन आगे, एक दो तीन उल्टा फंदा और ये जाली, एक दो तीन और ये जाली, फिर ऊन अपनी तरफ, एक दो तीन और ये जाली, एक दो तीन जाली, एक दो तीन और ये जाली, एक दो तीन और ये जाली, फिर एक दो और ये तीन, एक जाली पड़ गई, चार जालियां और पड़ेंगी, टोटल पांच जाली जैसी हमने यहाँ पे ये बनाई है। ये देखिए, एक दो तीन चार पांच जाली बनाने के बाद ये सारे फंदे बंद कर देंगे और ये यहाँ तक हम पूरा बिन लेंगे नॉर्मल जैसे हमने अभी तक बिना है। यहाँ पे एक बटन होल बन चुका है, इसी तरीके से ये देखिए हमारी ये लाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद फिर हम नीचे का पोर्शन बनाएंगे। वो कैसे बनाना है ये मैं इतना बनाने के बाद आपको डिटेल में बता दूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने जोड़ दिया है, ये दोनों तरफ का फ्रिल ऐसे आएगा और ये इनके। अब ये देखिए यहां तक मैंने बिन के ये सीधी लाइन पूरी कंप्लीट कर दी है। ये वाला फ्रिल बनाने के बाद दोनों को क्रोशिए से जोड़ दिया है, ये देखिए इस तरीके से ऐसे ये, और यहाँ पे ये कंप्लीट। अब देखिए ये दो फ्रंट का, बैक का ये चार और प्लस दूसरे साइड के फ्रंट का ये दो, तो अब इनको हम बनाएंगे रॉन्ग साइड से। अब हम इसको पूरा बिन लेते हैं, अब यहां से ये बटन पट्टी सात फंदे, ये बाकी जैसे हम अभी तक बिनते आ रहे हैं। ये पांचवी जाली डालने के बाद चौथी सलाई है, जो एक सलाई में जाली और प्लस एक उल्टा हमने बना लिया था, ये चौथी सलाई है। पांच जाली हमारी पड़ चुकी है, ये देखिए एक ये, तेरह उल्टा एक सीधा, ये बॉर्डर का फंदा बनाने के बाद। अब यहां पे देखिए दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह, और जो हमारा एक उल्टा फंदा है देखिए, अब वो फंदा जो है ये हमने सिलने के बाद जो क्रोशिया से इस सलाई पे चढ़ाया है वो है, तो इसको हम ऐसे यहां से सीधा बिनेंगे, इसको ऐसे ये सीधा कर लीजिए इस तरह से यहां से। देखिए अब यहां से ये वाला जो सिलाई करने के बाद हमारा यहां तक आया है, इसको हम यहां पे रॉन्ग साइड से सीधा बिनेंगे। फिर हमारे फंदे देखिए इस तरह से हैं, एक दो तीन ये चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह, सारा क्लियर हो गया। जो फंदा हमने
क्रोशिया से सिलाई करने के बाद फ्रील की सिलाई पे चढ़ाया था, वो फंदा हमारा रॉन्ग साइड से सीधा बनेगा और राइट साइड से उल्टा बनेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये सिलाई मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। इसके आगे हमको कैसे बनाना है, क्योंकि अब हमारा फ्रील के संग दोनों स्लीव बन चुकी है और अब फ्रंट एंड बैक के पार्ट का बॉडी पोर्शन जो हम बनाएंगे उसमें नीचे में हम ये जाली डालेंगे, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो ये पांच जाली हमारी ऊपर पड़ी है योक में और चार जाली हमारी नीचे पड़ेगी। तो ये देखिए, यहाँ पे बैक का पोर्शन ये हमारा है। देखिए बैक का एक दो तीन चार, और यहाँ पे देखिए ये फिर हमने जो क्रोशिया से उठाया था ये, इसको भी हम ऐसे सीधा बिन देंगे। फिर किनारे का अभी तक फंदा बढ़ने के बाद ये 13 उल्टे फंदे हैं, एक सीधा फंदा है और दोनों तरफ की बटन पट्टियों पे 7-7 फंदे हैं। तो इस तरीके से सारे फंदे हमारे क्लियर हो गए। ये है 9, 10, 11, 12 और ये 13। किनारे पे कोई सीधा फंदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे सीधे बॉर्डर है, तो ये 7 फंदे हम बॉर्डर के बना लेंगे। ये यहाँ पे ये हमारी रॉन्ग साइड से एक सिलाई कंप्लीट हो गई। देखिए अब जो हम ये जाली डालेंगे, अभी तक हमने यहाँ पे जाली डालने के बाद 4-4 सलाइयां बनाई है, लेकिन अब हम जब जाली बनाएंगे तो अभी हम यहाँ पे 2 सलाई और बिनेंगे। यानी कि अभी तक 4-4 सलाई था, अब यहाँ पे ये जाली बना के उल्टी सलाई बनाने के बाद हम 6 सलाई बनाएंगे। इसके बाद की जो जाली हम बनाएंगे वो हम जाली बनाने के बाद 8 सलाई बनाएंगे, इसके बाद 10 सलाई बनाएंगे। इसी तरीके से आप इसको बढ़ाती जाइए। 4 जालियां मेरी और पड़ेगी तो इस झबले की लंबाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर मेरी ये 5 जालियां हैं, नीचे मैं 4 जाली और डालूंगी, फिर हमारी इसकी बॉडी की लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। रॉन्ग साइड से देख लीजिए, ये देखिए, ये जाली डालने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है जाली डालने के बाद, तो एक जाली वाला टोटल 6। अब यहाँ पे अभी 2 सलाई मैं और बनाऊंगी। इसी तरीके से इसको हम 2-2 सलाई बढ़ाते जाएंगे। आप चाहें तो 4-4 सलाई भी बढ़ा सकती हैं। इसी नाप में थोड़ा अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप यहाँ पे ये जो मैंने 4-4 सलाई बनाई है, आप यहाँ पे जाली डाल के उल्टी सलाई बनाने के बाद 6 सलाई भी बना सकती हैं। तो ये योक की लंबाई थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। तो ये लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं। आपको जिस हिसाब से लंबा रखना है, तो यहाँ पे ये 5 जाली टोटल हो चुकी है, 4 जाली मैं और बनाऊंगी तो हमारे इसकी झबले की लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नीचे में ये फ्रिल एडजस्ट करेंगे। ये देखिए, इतनी लंबाई मेरी हो चुकी है। 1, 2, 3, 4 बटन होल मैंने बनाया है और अब मेरी इसकी ये लंबाई कंप्लीट हो चुकी है और नीचे अब मैं सेम ऐसा फ्रिल बनाऊंगी। तो अब देखिए, यहां से ये लास्ट वाला आप ऐसे देखिए जो मैंने बनाया है। यहाँ पे देखिए, मैंने 4-4 सलाई बनाई है ये डिजाइन बनाने के बाद, और अगर आप ये जाली के बाद देखिए तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जाली कंप्लीट होने के बाद मैंने हर जाली में 2-2 सलाई
एक्स्ट्रा बनाया है। तो अब यहाँ पे देखिए ये पांच कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात, फिर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, फिर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, और एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। ये हो गई चार जाली उसके बाद की कंप्लीट। और अब नीचे में यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, इतना मैंने बनाया है लास्ट। अब इसके बाद फ्रिल बनाऊंगी। तो फ्रिल बनाने के लिए जैसे हमने स्लीव में बनाया था सेम उसी तरीके से, सबसे पहले ये बॉर्डर वाले फंदे, जो हमारे सात फंदे हैं, ये देखिए इस तरह से बिन लेंगे। ये अब ऊन आगे करके सबसे पहले यहां पे एक सीधा बीनेंगे ऐसे, फिर तीन उल्टा जैसे हमने स्लीव के झालर के लिए बनाया था। अब यहां से ये देखिए ऊन आगे करके एक सीधा, फिर ऊन आगे करके एक दो तीन उल्टा, फिर यहीं से एक फंदा सीधा। पूरी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, तीन उल्टा और यहीं से ये सीधा, सॉरी, फिर एक दो तीन उल्टा और चौथा फंदा सीधा। तो पूरी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम लास्ट तक इसको बनाएंगे, ये यहां। और अब देखिए यहां पे हमारा यहाँ पे देखिए दो उल्टा बचा है, इसको हम सिर्फ दो ही रखेंगे। और यहाँ का ये जो सात फंदा हमारा है, देखिए तीन नीचे एक साथ, इसको हम सीधा बिन देंगे। इस तरीके से हमारा ये झालर जो है नीचे का वो सेट हो गया है। अब इसको हम एक जाली बना चुके हैं, देखिए यहाँ पे एक जाली बन चुकी है। चार जाली और बनाने के बाद इसको भी हम बंद करेंगे। जैसे हमने यहाँ स्लीव में देखिए ये एक दो तीन चार पांच जालियां बनी है, इतना ही हम नीचे की फ्रिल में भी कंप्लीट बना लेंगे। इतना बनाने के बाद इसको बंद कर लेते हैं, फिर हमारा ये तैयार हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मेरी एक दो तीन चार और पांच जाली कंप्लीट हो चुकी है। अब सारे फंदे हम बंद करेंगे। यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से चार बटन भी लगा लिए हैं। आप अपने मनपसंद जिस कलर में बना रही हैं उसके हिसाब से बटन लगा सकती हैं। तो चार बटन होल मैंने बनाया था, तो चार ही बटन मैंने इसमें लगाए हैं। और अब हम इसको बंद कर देंगे सिंपल, जैसे हम अभी तक बिनते आ रहे हैं नॉर्मल, इसके सीधे फंदे बिनते हुए सारे फंदे हम उतार देंगे इस तरीके से, टाइट लूज नहीं रखना है। जैसे आपकी बिनाई चल रही थी अब तक उसी तरीके से टाइट मत करिएगा, फ्रिल है नीचे, फिर नीचे सिकुड़न आ जाएगी। तो आप इस तरह से इसको बंद कर दीजिएगा सारे फंदे सीधे सीधे बिनते हुए। ये देखिए ये इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे हमारे बंद हो जाएंगे। मैंने कोई इसको टाइट या लूज नहीं रखा है, जिस तरीके से आपका हाथ चलता है बिनाई के लिए बस वैसे ही इसको उतारते जाइए और ये फ्रिल भी हमारा अच्छे से आ जाएगा, इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। तो ये देखिए यहां तक अभी ये फ्रिल का पोर्शन है। ये पूरा सीधे उल्टे सारे फंदे जो हैं वो हम इसी तरीके से सीधे सीधे ही बिनते हुए बंद करेंगे। ये
दूसरे साइड की बटन पट्टी का फंदा। नीचे में मैंने कोई बटन होल नहीं बनाया है, इसकी जहां तक लेंथ आई है लास्ट चार बटन होल के बाद सेम है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और बटन चाहिए नीचे में, तो आप यहाँ पे एक टीच बटन भी लगा सकती हैं, या आप इसमें थोड़ी सी लेंथ ज्यादा करके नीचे भी एक बटन होल बना सकती हैं। तो देखिए इसको ऐसे कट कर देंगे। और ये जो हमारा धागा है यहाँ पे, इसको हम इस तरह से क्रोशिए की मदद से अंदर की तरफ ऐसे, ये देखिए इस तरह से, ये जो हमारी उल्टी बिनाई है इसी के बीच से ऐसे क्रोशिया निकालते हुए और इस धागे को ये एक बार और इस तरह से देखिए, ये पूरा अंदर तक आ गया ये। और अब देखिए ये बनके तैयार है, इसके बटन लगा लेंगे। जो यहाँ पे धागा था देखिए, उसको भी मैंने इस तरह से पीछे फंसा दिया है, कहीं इसमें सिलाई करनी नहीं है। गले से ये बना है और इस तरह से मैंने बटन लगाए हैं। आप कोई भी बटन लगा सकती हैं मैचिंग, अगर नहीं मिलता है तो आप ट्रांसपेरेंट बटन आता है उसको भी लगा सकती हैं। तो ये इस तरह से ये छबला बन के देखिए तैयार है, ये इस तरीके से हमारा ये पैटर्न है। अब देखिए अगर मैं इसकी लंबाई आपको दिखाऊं यहाँ शोल्डर से, तो ये जो टॉप है हमारा यहाँ से देखिए ये पूरी लंबाई हमारी जो है 13 है, 13 इंच, 13.5 इंच है, यहां तक आ रहा है। इसकी जो चौड़ाई है यहां से ये देखिए 8.5 है, 8.5 इंच। और स्लीव की जो ये लंबाई है ये देखिए, फ्रील से अगर आप इसको देखिए तो ये देखिए 5 इंच है, यहाँ पे ये देखिए ये 5 इंच इसकी स्लीव की लंबाई है। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये जबला आपको जरूर पसंद आएगा, ए लाइन फ्रॉक स्टाइल है। अगर आपको ये फ्रॉक पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी जल्दी ही किसी नए वीडियो के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।